राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान के बांदीकुई के बाढ़ नागवा से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, आज भी यात्रा में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। चुनाव की तैयारी में जुटे पीएम मोदी, आज त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, करोड़ों की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। तवांग और महंगाई के मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरेगा विपक्ष, विपक्षी दल तवांग मुद्दे पर लगातार कर रहे हैं चर्चा की मांग। झारखंड सरकार के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री का फूका पुतला, आज रांची बंद का किया आह्वान। आज झारखंड विधानसभा सत्र का होगा आगाज, स्कूली शिक्षा, पर्यावरण सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा, 23 दिसंबर तक चलेगा सत्र। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र होगा शुरू, विपक्षी दलों ने शिंदे सरकार को सदन में घेरने की बनाई रणनीति, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी का मुद्दा भी उठाएगा विपक्ष। ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले में आज वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होगी सुनवाई, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से सर्वे आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका। आज से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो रहा है 2 हफ्तों का शीतकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश के दौरान नहीं होगी कोई वेकेशन बेंच। काकोरी कांड के नायकों की याद में गोरखपुर में दिखाई जाएगी जंगे आजादी की गाथा, देश में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो, 750 ड्रोन लेंगे हिस्सा। उत्तर भारत में बड़ा सर्दी का सितम, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में चलेगी शीतलहर।